द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बैन करने संबंधी मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्यों ने इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आड़े हाथों लिया है। नफरत की किताब को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कल का जो स्टेटमेंट है वो उसका सही रंग है। सिर्फ उसी का नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का हमेशा यही रंग रहा है। वो सिर्फ कम्युनल हेट्रेड पर, नफरत फैलाने पर, खासकर कश्मीर में जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है उसके खिलाफ जहर उगलकर उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक की है। कल भी उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही दर्दनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ये बताएं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कि 1983 में जब वेस्ट इंडीज़ के साथ क्रिकेट मैच हो रहा था तब कौन सी कश्मीर फाइल्स आई थी? जब 1986 में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया तब कौन सी कश्मीर फाइल्स आई थी? और वो बताएं ज़रा इस कश्मीर फाइल्स में क्या ये सीन गलत है कि गिरजा तिक्कू को आरी से चीरा गया, आरी जिंदा काटा गया? क्या ये गलत है कि सर्वानंद कोल प्रेमी को हत्या, उनके बेटे के साथ हत्या करके पेड़ पर लटकाया गया? पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात जो उन्होंने कही कि जी बालकृष्ण गंजू जी की विधवा बीवी को खून से सने हुए चावल नहीं खिलाए गए, उनको कैसे पता है? क्या टेररिस्टों ने उनको रिपोर्ट किया था? क्योंकि पब्लिक डोमेन में ऐसी पिक्चर्स है जिसमें हमें फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोगों के साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में देखा हुआ है। क्या उन्होंने कभी क्लियर किया है कि वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बानी मेंबर नहीं है? क्या उन्होंने उस पार्टी से, ऑर्गेनाइजेशन से इस्तीफा कभी दिया है? क्या उन्होंने लोगों के इन शंकाओं को, इन डाउट्स को कभी क्लियर किया गया है? तो अगर आज लोग ये मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसीलिए कहा कि जिस टेररिस्ट ने बीके गंजू जी को मारा है उसने वापस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिपोर्ट किया होगा, जिससे वो इस विश्वास के साथ कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, मेरा सरकार से मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्टिविटीज़ के बारे में, इसकी पॉलिटिक्स के बारे में, इसका ये जो नफरत भरी पॉलिटिक्स जिसका एक डॉक्यूमेंट आतिश चिनार के रूप में है, इस सब पर एक वाइट पेपर पेश किया जाए, इस पर एक वाइट पेपर पब्लिश हो और सारी देश के सामने आना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नफरत भरी राजनीति कैसी है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.